आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल किड्स होम ट्यूटोरियल्स में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवन एंड ऑड नंबर्स की। तो दोस्तों, ये सबसे इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, और जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं या स्टूडेंट्स इसे पढ़ें तो इसी तरीके से पढ़ें। देखिए, आपको ये फुल मार्क्स दिलाएगा और बहुत ही ईजिली समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इवन नंबर्स क्या होता है, हम पहले ये देखते हैं कि इवन नंबर्स, इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 4, 6, 8 एंड 0, देन इट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। फ्रेंड्स, वह सारे नंबर जिनके एंड में 2, 4, 6, 8 एंड 0 आता हो, वे सारे के सारे इवन नंबर्स होते हैं। चलिए इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एट, एट देखिए इवन नंबर है। 56, 6 एंड्स विद 6, तो ये भी इवन नंबर है। 134 एंड्स विद 4, ये भी एक इवन नंबर है। 8 एंड्स विद 8, ये भी एक इवन नंबर है। फ्रेंड्स, देखिए कितने भी डिजिट का नंबर हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये देखना है कि अगर एंड में 2, 4, 6, 8 एंड 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं हम ऑड नंबर। इफ अ नंबर एंड्स विद 1, 3, 5, 7 एंड 9, देन इट इज कॉल्ड ऑड नंबर। फ्रेंड्स, देखिए जो नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 से ख़त्म होते हैं, जिनके एंडिंग में ये डिजिट्स आती हैं, वे सारे के सारे नंबर्स आपके ऑड नंबर्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल्स। 5, 5 एक ऑड नंबर है। 27 एंड्स विद 7, तो ये भी ऑड नंबर होगा। 217 एंड्स विद 7, तो ये भी एक ऑड नंबर है। 3 एंड्स विद 3, तो ये भी एक ऑड नंबर है। तो फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान रखना है, कितने भी डिजिट का नंबर हो, आपको देखना है एंड में 1, 3, 5, 7 एंड 9 है तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा एक तरीका और होता है, उसमें हम चेक करते हैं नंबर की डिविजिबिलिटी 2 से, कि अगर आपका नंबर 2 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो नंबर आपका इवन नंबर होगा। और सेम यही ये भी हमें करना है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करते हैं हम और रिमाइंडर हमें मिल जाता है 1, तो वह नंबर हो जाता है ऑड नंबर। चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ, अगर 14, 2 से डिवाइड करूँगी मैं, 2 7 ज़ा 14, देखिए मुझे रिमाइंडर में मिल रहा है 0, इट मीन्स 14 जो है वो एक इवन नंबर है। आप देख सकते हैं 14 एंड्स विद 4, तो ये एक इवन नंबर है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं। मैं बात करती हूँ अगर 13 की, 2 से डिवाइड कर रही हूँ मैं, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर मेरा 1, इट मीन्स 13 जो होगा वो मेरा ऑड नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, पर जो बच्चे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इवन एंड ऑड नंबर से, आप कोशिश करें कि उन्हें यही बताएं। ये बेस्ट और इजीएस्ट वे है बच्चों को इवन एंड ऑड नंबर सिखाने का। तो ये है मेरा आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी है। देखिए, इस तरह से आपको एक सेट ऑफ नंबर्स देना है अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, और एक इवन नंबर एक ऑड नंबर के लिए आपको शेप बनाने इस तरह से, और बच्चों को कहना है कि वो चूज करें इवन नंबर यहाँ और ऑड नंबर यहाँ लिखना है। देखिए, 4 इवन नंबर, 7 ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, 8 इवन नंबर, 2 इवन नंबर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए दो शेप्स बने हुए हैं, ओवल शेप्स, और ये इसमें है इवन नंबर, यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉमन एरिया आपको दिख रहा होगा। ये कॉमन एरिया ये है कि 3 के मल्टीपल जो हैं
उनमें जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो इस कॉमन एरिया में आ जाएंगे। और आपको फिर यहाँ पे एक और सेट ऑफ नंबर्स देना है, और ये नंबर्स आप अपने बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। थोड़ी बड़ी क्लास में बड़े नंबर दे सकते हैं, छोटा है स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए तो ये सफिशियंट है। देखिए 4 इवन नंबर, 9 मल्टीपल ऑफ 3, 21 21 मल्टीपल है, 12 12 देखिए 3 का मल्टीपल भी है और इवन भी है तो वो यहाँ आएगा, 20 इवन नंबर है, 3 मल्टीपल ऑफ 3, और 18 जो है वो इवन भी है और 3 का मल्टीपल भी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कुछ एक्टिविटी देके बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि आपके बच्चे बहुत इजीली इसे सीख सकें और याद रख सकें। तो आज का वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।